मैसेज में बता दें यहाँ पे किसी स्टूडेंट की आवाज आ रही है, लेकिन कम आ रही है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लास्ट टाइम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो हमारे पास था मैरीन और फ्रेश वाटर फिशेस का, ठीक है। उनमें डिफरेंस पढ़ रहे थे कि उनमें क्या डिफरेंस है। इसके अलावा कुछ स्पीशीज जो हैं वो फिशेस की हमारे पास ऐसी भी हैं जो कि अपना जो हाफ लाइफ है वो मैरीन में गुजारती हैं और हाफ जो है वो फ्रेश वाटर में गुजारते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो मैरीन में पैदा होती हैं, आंस आप ड्राइंग मत करें, मैरीन में अगर वो पैदा होती हैं तो वो वहाँ पे पैदा होने के बाद कुछ टाइम अपना वहाँ पे गुजारने के बाद जो है वो फ्रेश वाटर की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं, ठीक है। और फ्रेश वाटर में शिफ्ट होने के बाद वो अपना जितना भी लाइफ है वो अपना सारा फ्रेश वाटर में गुजारेंगी। ऐसी फिशेज जो कि अपना लाइफ टाइम जो है ज़्यादातर फ्रेश वाटर में गुजारती हैं लेकिन प्रोड्यूस जो है वो मैरीन में होती हैं, इनको हम कैटाड्रोमस फिशेज कहते हैं। और इसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल आती है फिशेज में वो हमारे पास है ईल की, ठीक है। इसके ऑपोजिट में कुछ फिशेज हमारे पास ऐसी भी होती हैं जो कि बोर्न तो वो फ्रेश वाटर में होती हैं लेकिन अपना लाइफ टाइम जो है वो मैरीन में गुजारती हैं। लाइफ टाइम गुजारने के बाद दोबारा वो जब उन्होंने स्पॉनिंग करनी होती है तो दोबारा वो फ्रेश वाटर में चले जाते हैं, ठीक है। उन्होंने रिप्रोडक्शन करवानी होती है तो दोबारा वो फ्रेश वाटर में चले जाते हैं। इस तरह की हम जो फिशेज होते हैं उनको हम ये कहते हैं कि ये एनाड्रोमस फिशेज हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास एक सैलमन है वो भी आ जाती है एग्जाम्पल में, और स्टर्जन है वो भी आती है। टेस्ट भी हो जाता है आपका क्लास के फौरन ही बाद आपका टेस्ट हो जाएगा, 10-15 मिनट होंगे तो उसमें आपने सबमिट करवाना होगा। ज्यादा मुश्किल नहीं होगा लेकिन मेन बात है कि उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो उसने उसके आपने आंसर करने होंगे। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि एम्फीबियंस का, ठीक है। ये इनकी ड्यूअल लाइफ होती है, ये ज़्यादातर अपनी लाइफ जो है वो फ्रेश वाटर में ही गुजारती हैं, इसीलिए इनकी जो हम किडनी की बात करते हैं तो वो हमारे पास मीजोनेफ्रिक होते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह जैसे कि फ्रेश वाटर फिशेस का होता है और फ्रेश वाटर से क्योंकि इनकी जो एवोल्यूशन हुई है वो फिशेज से हुई है वर्टिब्रेट्स में, तो इस तरह से इनकी जो कैटेगरीज हैं जो इनके करेक्टर्स हैं वो फिशेज से मिलते जुलते हैं। एक तो इनका ये फिशेज से मिलता जुलता करेक्टर है कि ये ज़्यादा टाइम अपना फ्रेश वाटर में गुजारते हैं, कम टाइम जो है वो लैंड पे आते हैं। और दूसरा ये कि एम्फीबियंस में जो वाटर और आयंस का जो टेकअप होता है वो फूड के थ्रू भी हो सकता है, इसके अलावा स्किन में भी हो सकता है। हम बात करते हैं कि जो इनकी स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है, ठीक है। रेप्टाइल्स की जब हम बात करते हैं तो उनकी स्किन जो है वो ड्राई होती है। और नेक्स्ट इसमें ये कि जो यूरिनरी ब्लडर होता है फ्रॉग का, टॉड का और सेलेमेंडर का, ये हमारे पास एम्फीबियंस की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये जो यूरिनरी ब्लडर होता है ये वाटर और आयन को स्टोर करने के लिए होता है, ठीक है। जब इन्वायरमेंट जो है वो ड्राई होता है तो जो ब्लडर होता है वो अपना साइज जो है वो इनलार्ज कर लेता है ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्टोर की जा सके। इसके अलावा जब हम एम्फीबियन की बात करते हैं कि जब वो डिहाइड्रेशन कंडीशंस में होते हैं तो उनका जो ब्रेन होता है वो एक हार्मोन रिलीज करता है जो कि ब्लैडर को मैसेज कन्वे करता है कि इसको जो है वो वाटर और इसके अलावा जो आयंस होते हैं या वेस्ट मटेरियल होता है वो रिमूव किया जाए। नेक्स्ट हमने ये देखना है कि जो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ठीक है, ये अपना किस तरह से वाटर को रिटेन करते हैं और जो यूरिन एक्सक्रीट करते हैं वो कंसंट्रेटेड किस तरह से होती है। हमने जो लास्ट क्लास पढ़ी थी उसमें ये पढ़ा था कि जो इनके किडनीज होते हैं वो मेटानेफ्रिक होते हैं, ठीक है, जो कि हम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। इसके अलावा वेल डिवेलप है एज कम्पेयर टू प्रो और मीजोनेफ्रिक किडनी के।
इसमें मेटानाफिक इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें जिस तरह से एवोल्यूशन हुई है और एवोल्यूशन में ये हमारे पास वेल डेवलप फॉर्म है, इसके अलावा इनका जो मेटाबॉलिज्म रेट होता है वो हाई होता है। ये अपना ज्यादातर अपना लाइफ जो है वो लैंड पे गुजारते हैं एज कम्पेयर टू एम्फीबियंस और फिशेस के। दूसरा इनमें के कुछ डेजर्ट और मैरीन रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स हैं जो कि अपना सॉल्ट की कंसंट्रेशन को बॉडी में मेंटेन करने के लिए इनमें सॉल्ट ग्लैंड्स हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है, यही जो सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं ये सॉल्ट्स के सिक्रीशन को करवाते हैं जो कि नेक्स्ट जो है वो इनकी बॉडी में जो वाटर का और आयन का इलेक्ट्रोलाइट्स का जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, इन ग्लैंड्स की हम ये बात करते हैं कि ये नियर आई के पास भी हो सकते हैं, इसके अलावा टंग में भी हो सकते हैं। और जब हम आई की बात करते हैं तो उसमें जो हम टेयर लाइक जो ड्रॉपलेट्स होते हैं तो उसमें ये है कि सॉल्ट आयन जो है वो मौजूद होते हैं। मैम, सॉल्ट आयन मतलब कि रेक्टल ग्लैंड, जो वही वाले ना? जी इसमें रेक्टल ग्लैंड जो है वो हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स में है। ठीक है, वर्टिब्रेट्स में जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास दूसरे ग्लैंड्स हैं। फॉर एग्जांपल हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम की कैटेगरी पढ़ी थी तो उसमें हमने ग्लैंड्स पढ़े थे, शायद आपको याद होगा, जिसमें हमारे पास सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स थे, उसके अलावा पैरिटल ग्लैंड्स थे। तो इस तरह से ये जो जी मैम, है ये इन साइड द बॉडी जो है वो सॉल्ट के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। ठीक है, उसमें हमने बेसिक नेचर भी पढ़ी थी और एसिडिटी भी पढ़ी थी। सेम इसी तरह से जैसे आप आंसू की बात करते हैं तो आपने भी ये सुना होगा, आंसू जब एक आंख से गिरता है तो उसमें ज्यादातर जो है वो सॉल्ट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स में हम टर्टल्स को लेते हैं, इसके अलावा एल्बेट्रोसेस और सी गर्ल्स हैं। ठीक है, इनको लेते हैं। ये हमारे पास रेप्टाइल्स की थी। जब हम मैमल्स की बात करते हैं तो मैमल्स में क्या होता है कि जो वाटर लॉस की मेजर साइट होती है वो लंग्स के जरिए होती है। लंग्स में किस तरह से होती है कि जब हम नेजल कैविटी के जरिए से जो एयर होती है उसको इनहेल करते हैं। ठीक है, इनहेल करने के दौरान जो नेजल कैविटी में एयर्स होते हैं जो कि एयर को जो है वो हिमिट कर देते हैं, सराउंडिंग टिश्यूज जो है वो मौजूद होते हैं, वो उसको ह्यूमन करने के साथ साथ वार्म भी करते हैं। ठीक है, इस तरह से जैसे ही वो लंग्स तक जाती है, लंग्स से जो है जो वार्म एयर होती है उसमें से जो एवेपोरेशन हो जाती है वाटर मॉलिक्यूल्स की, एवेपोरेशन के बाद जो हमारे पास कूल एयर बच जाएगी लंग्स में। ठीक है, वही जब लंग्स में कूल एयर जब वाटर वापस जो है वो एक्सहेल होती है बॉडी से, जब वही एयर सॉरी वही जब एयर वाटर से बाहर जो है वो एक्सहेल होगी। ठीक है, एक्सहेलिंग के दौरान में जब हम ये बात करते हैं कि वो नेजल कैविटी तक पहुंचती है तो उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंडेंस कर लिए जाते हैं। ठीक है, उससे जो बाहर है वो रिमूव कर लिए जाते हैं। रिमूव करने के दौरान इस तरह से जो उसकी बॉडी होती है, जो नेजल कैविटी होती है वो कूल हो जाती है। ठीक है, कंडेंसेशन में नेजल कैविटी जो बॉडी की वो कूल हो जाएगी और इस तरह से जो है वो बॉडी से बाहर जो एयर की एक्सहेलेशन होती है। इसके अलावा हमने रेस्पिरेशन में भी देखे थे कि किस तरह से टिश्यू लेवल में बॉडी की जो गैसियस का एक्सचेंज होता है, किस तरह से इनहिलेशन होती है और एक्सहेलेशन होती है। उसमें हम मोस्टली ये देखते हैं कि यहाँ पे जो अक्सर आपने भी देखा होगा कि जो डॉग होता है, ठीक है, डॉग में ये है कि उसकी जो टंग होती है, जो उसकी नेजल कैविटी होती है वो कूल रहती है। ठीक है, इसकी हम ये नेक्स्ट इसमें डायग्राम में भी देखेंगे। ये हमारे पास रेप्टाइल्स की हम इसमें एम्फीबियंस का देखते हैं कि एम्फीबियंस में जो इनकी ये हमारे पास डायग्राम है कि किस तरह से ये वाटर और आयंस के जो है वो फूड के जरिए से लेते हैं। देखिए, वो फूड जब हम खाते हैं तो उस फूड की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि उसमें वाटर की क्वालिटी कितनी है, उसमें आयंस की कितनी कंसंट्रेशन है और आयंस जो है वो कौन कौन से मौजूद हैं।
ठीक है, और इस तरह से ये किस तरह इनकी बॉडी जो होती है वो मॉइस्ट होती है, वो किस तरह से आयंस को एब्जॉर्ब करती है और जो गैसियस का एक्सचेंज होता है उसमें किस तरह से हेल्प करती है। उसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर होता है, यहाँ पे जो जितना भी मटेरियल होता है उसको स्टोर कर लिया जाता है, उसमें जो वाटर होते हैं ये आयंस होते हैं जो बॉडी को रिक्वायर होते हैं वो दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं बॉडी में। और इसके ऑपोजिट में जो वेस्ट मटेरियल होता है जो बॉडी को नहीं रिक्वायर होता वो क्लोएका के थ्रू बॉडी से बाहर यूरिनरी ब्लैडर से मूव कर दिया जाता है। इसके अलावा हम मैरीन बर्ड्स की बात कर रहे हैं कि इसमें जो जो वाटर वो ड्रिंक करती है, ठीक है, मैरीन जो बर्ड्स होंगे वो सॉल्ट वाटर पे सी वाटर पे डिपेंड करेंगे, जब वो उस वाटर को जो है वो ड्रिंक करेंगे तो उसमें आयंस की सॉल्ट जो होंगे उसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। और इसके अलावा उन कंसंट्रेशन के अलावा जो इनमें सॉल्ट ग्लैंड होते हैं जो कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन को इनक्रीज करते हैं, ठीक है। इस तरह से ये कि जो सॉल्ट और आयंस का जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन करते हैं और ऑस्मो रेगुलेशन में थ्रू आउट द बॉडी जो है वो हेल्प करते हैं। ये हमारे पास हमने देखा है बर्ड्स का, उसके अलावा रेप्टाइल्स का, मैमल्स का, फिशेस का देखा है। यहाँ पे जो मैंने आपको फिशेस के नेम बताए हैं कैटाड्रॉमस के और एनाड्रॉमस के, वो आपकी बुक में नहीं है, जस्ट उसमें ये लिखा हुआ है कि कुछ फिशेस जो है वो अपना लाइफ टाइम फ्रेश वाटर में गुजारती हैं और कुछ मैरीन में। ये आप बात इसको लिख लीजिएगा। इसके अलावा हम यहाँ पे मैमल्स में ये पढ़ेंगे कि मेटानेफ्रिक किडनी का, ठीक है, मैमल्स में हम वर्टिब्रेट्स में उसकी डिटेल में डिस्कस करेंगे जो किडनी के फंक्शंस हैं, उसके कौन से पार्ट्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ तक आपको जो हमने लास्ट तक पढ़ा वो आपको समझ आ गया। जी मैम, नेक्स्ट हमने ये देखना है कि जो इसमें मेटानेफ्रिक किडनीज मौजूद होते हैं मैमल्स में, जो किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो हमारे पास 1 मिलियन के करीब जो है वो इसमें फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं जो कि सिक्रीशन भी करवाते हैं और रीअब्जॉर्प्शन भी करवाते हैं, जिसको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। बिगनिंग में जो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर यूज किया जाता है फिल्ट्रेशन ऑपरेटर्स के लिए उसे हम ग्लोमेरुलस कैप्सूल कहते हैं, ठीक है, ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसी बॉल लाइक स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं कि जो ग्लोमेरुलस है ये कैप्सूल है और इसी कैप्सूल के अंदर हमारे पास ग्लोमेरुलस मौजूद होता है जिसमें कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होती हैं, उसके अलावा ऑट्रियोल्स होते हैं, एफ्रंट और इफ्रंट होती हैं जो कि एंटर होती हैं और कैप्सूल से बाहर लीव करती हैं। एफ्रंट जो कि हमारे पास ए से बनता है एफ्रंट, ठीक है, उसमें जो कैपिलरीज ग्लोमेरुलस के अंदर एंटर होंगी, ठीक है, वो थ्रू आउट द प्रोसेस जो हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे वो उसमें से गुजर के एब्जॉर्प्शन और रीअब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है, फिल्ट्रेशन होगी, वो हमारे पास एफ्रंट आर्टियोल्स हैं। और जबकि हमारे पास जो इफ्रंट ई से बनता है उसका ये मतलब है कि ऐसी जो आर्टरियोल जो कि कैप्सूल को लीव करके बॉडी से जो है वो किडनी से बाहर जा रही हैं उसको हम कहते हैं कि इफ्रंट आर्टरियोल्स, ठीक है, इनमें डिफरेंस जो है वो मिक्स नहीं करना। उसके अलावा हम ये कहते हैं कि जो ग्लोमेरुलस होता है इसमें हमारे पास कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। जी मैम, ये एफ्रंट का दोबारा बता दीजिएगा, ए और ई वाले का। एफ्रंट यहाँ पे आप दोनों पढ़ेंगे कि ग्लोमेरुलस जो कैप्सूल होता है उसमें दोनों मौजूद होती हैं, ठीक है, आर्टरियोल्स जो हमारे पास ए है, ए से जो हमारे पास एफ्रंट बनता है उसका ये मतलब होता है कि जो ग्लोमेरुलस में आर्टरियोल्स एंटर हो रही हैं, एंटर होने के बाद जब हम नेक्स्ट स्टेप्स पढ़ेंगे वो उसमें से गुजर के और गुजरने के दौरान उन ट्यूब्यूल्स में से जो मटीरियल होगा वो एब्जॉर्ब और रीअब्जॉर्ब होगा, ठीक है, और जो बाकी का वेस्ट मटेरियल होगा वो बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगा। लेकिन जब हम ये पढ़ते हैं कि इफरेंट आर्टरियोल्स का, ये आर्टरीज या आर्टरियोल्स ऐसी होती हैं, आर्टरीज जो हैं वो डिवाइड करके आर्टरियोल्स बनाती हैं, यही आर्टरियोल्स जो इफरेंट होती हैं ई से, ये जो ग्लोमेरुलस होता है उस कैप्सूल को लीव करती हैं, मतलब उसको छोड़ के इन्होंने बाहर जाना होता है, ये नेक्स्ट प्रोसीजर से नहीं गुजरती, ठीक है।
इसके बाद हमने ये पढ़ना है कि जो ग्लूमेगुलस कैपलरीज होती हैं उसमें स्मॉल पोरीफ्रेशंस होती हैं जिसको हम ये कहते हैं कि फिल्ट्रेशन स्लिट्स, और यही फिल्ट्रेशन स्लिट्स जो होती हैं एज ए फिल्टर्स एक्ट करती हैं जिसको हम ये कहते हैं कि जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है ठीक है किडनीज में। और ब्लड प्रेशर जो है वो हमारे पास फोर्स करेगा फ्लूड को इन फिल्टर्स में से गुजरने के लिए, जब इन फिल्टर में से वो गुजरेगा और उनमें से जो आयंस होंगे जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे वो इसमें से गुजर सकते हैं, इसके अलावा जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे या प्रोटीन्स होंगे वो इसमें से नहीं गुजर सकेंगे ठीक है, वो जो फिल्टर्स हैं उनसे बाहर ही रह जाएंगी। जब ये इन स्लिट्स को पार करके फिल्टर करके नेक्स्ट जब गुजर जाएंगे तो उसको हम फ्लूड को हम जो कहेंगे वो हमारे पास होगा ग्लूमेगुलर फिल्ट्रेट ठीक है। ग्लूमेगुलर फिल्ट्रेट इसलिए कहेंगे क्योंकि वो ग्लूमेगुलस होगा उसको पास कर जाएगा, उसमें आपने आयंस का याद रखना है उसमें जो ग्लूकोज मौजूद होता है इसके अलावा स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसमें से गुजर सकते हैं इजीली, आयंस में हमारे पास कैल्शियम और फॉस्फेट के आयंस मौजूद होते हैं, इसके अलावा जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है प्राइमरी स्टेज पे होता है वो हमारे पास मौजूद होता है ठीक है, जिसमें हम ये कहते हैं कि ये मेटाबॉलिज्म का प्रोडक्ट है जिसमें हमारे पास मैमल्स में यूरिया और यूरिक एसिड आते हैं, हमारे पास मैमल्स में अमोनिया नहीं आता यूरिया और यूरिक एसिड आते हैं। इसके अलावा ये जो फिल्ट्रेशन स्लिट्स होती हैं ये स्मॉल होती हैं और इनका साइज होता है स्मॉल, इसीलिए ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स को गुजरने देती हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स को गुजरने नहीं देती। ये जो हमने एफ्रंट और इफ्रंट आर्टरियोल्स की बात की थी, हम आर्टरी से जब आर्टरियोल्स बनेंगे यही आर्टरियोल्स जब डिवाइड करेंगे डिवाइड करके ये कैपलरीज का सेट बनाएंगे जिसे हम कहेंगे पेरिट्यूबुलर कैपलरीज, और ये जो पेरिट्यूबुलर कैपलरीज हैं जो हमारे पास नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट होता है नेक्स्ट हम वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो भी पढ़ेंगे नेफ्रॉन का, उसके इर्द गिर्द उसके अराउंड जो है ये मौजूद होते हैं। इन पेरिट्यूबुलर कैपलरीज का ये मकसद होता है कि जैसे ही ट्यूब्यूल से मटेरियल गुजरता है गुजरने के साथ साथ ये पेरिट्यूबुलर कैपलरीज दोबारा से उसको एब्जॉर्ब कर लें और एब्जॉर्ब करने के बाद जो बॉडी का फ्लूड होता है ब्लड उसमें दोबारा एंटर कर दें। सेम इसी तरह से जो बॉडी की रिक्वायरमेंट जो ब्लड जो मटेरियल वाटर और आयंस या इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो इन्हीं पेरिट्यूबुलर कैपलरीज के जरिए से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और इसके यही जो पेरिट्यूबुलर कैपलरीज होती हैं ये दोबारा से ज्वाइन करके विनियोल्स बनाएंगे और इन्हीं विनियोल्स ने नेक्स्ट जाके जो है वो वेन्स बनानी होती हैं, और वेन्स का आपको पता है कि उन्होंने दोबारा से जो फंक्शन होता है वही मटेरियल जो है वो ब्लड से कलेक्ट करके दोबारा किडनी में डालना होता है ठीक है। सेम इसी तरह से वही किडनीज फिर आर्टरीज और आर्टरियोल्स निकलेंगी फिर जाके वो पेरिट्यूबुलर कैपलरीज में डिवाइड होंगे फिर वो वेन्स और वेन्स फिर दोबारा किडनी में दोबारा ब्लड एंटर हो जाएगा ठीक है, ये प्रोसीजर जो है वो चलता रहेगा। नेक्स्ट हम ये पढ़ते हैं कि ग्लूमेगुलस कैप्सूल से नेक्स्ट हम उसके पार्ट्स का पढ़ते हैं कि इसमें एक प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड पार्ट होता है ठीक है ट्यूब्यूल का, और इसके डिस्टल होता है, और इन दोनों प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के दौरान में हमारे पास एक लूप होता है नेफ्रॉन का जो कि यू शेप का होता है ठीक है, जिसे हम लूप ऑफ हेनले भी कहते हैं। ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है स्क्रीन पे ठीक है, इसमें ये हमारे पास ग्लूमेगुलर कैप्सूल है, ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है ठीक है, ये जो हमारे पास पिंक कलर में कैपलरीज आपको नजर आ रही है ये हमारे पास ग्लूमेगुलस है जिसमें के फिल्ट्रेशन स्लिट्स मौजूद होती हैं जो के फिल्ट्रेशन करवाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये जो पिंक कलर में आपको जो नजर आ रही है एफरेंट आर्टियोल ये इसमें से एंटर होगी ग्लूमेगुलस में से जो नेक्स्ट जाके ट्यूब्यूल से एंटर होती हुई ये इस सिस्टम में से गुजरेगी ठीक है। इसके ऑपोजिट में जब हम ये बात करते हैं कि ये जो लीव कर रही है ग्लूमेगुलस कैप्सूल को इसको हम ये कहते हैं कि ये इफ्रंट आर्टियोल है ठीक है, जो कि ई से बनता है इफ्रंट। नेक्स्ट हमारे पास ये जो पोर्शन नजर आ रहा है ठीक है, ये जो आपको जिगजैग पोर्शन नजर आ रहा है ठीक है टिब्यूल्स में, और इसका साइज जो है वो इनलार्ज होता है, जैसे ही ग्लूमेगुलस से जो टिब्यूल निकल रही होगी उसको हम ये कहेंगे कि वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल होते हैं। प्रॉक्सिमल का ये है कि जो सबसे फ्रंट में पाई जाती है, उसके बाद हम ये बात करते हैं कि यहाँ पे ये आपको एक स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा जिसको मैंने अभी यू शेप की बात की, ये पिंक और जो स्काई कलर है ये नहीं, ये जो रेडिश कलर में है लाइट,
ठीक है, इसको हम इस जो लूप है इसको हम ये कहते हैं कि ये लूप ऑफ हैनले भी कहते हैं इसको, या आप लूप ऑफ नेफ्रॉन भी कहते हैं। इसमें ये जो पिंक कलर और ये जो स्काई कलर आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, और इन्हीं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में जो हमारे पास पिंक कलर है इनको हम आर्ट्रियोल्स कह रहे हैं, और जो हमारे पास स्काई कलर है इनको हम वेन्स का नाम देते हैं। और इनका बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि ये जो ट्यूब्यूल गुजर रही है, जैसे ही ग्लोमेरुलस से जो फिल्ट्रेट गुजर रहा है वो प्रॉक्सिमल से होके इस लूप में से गुजरेगा, और इस लूप में से जब गुजरेगा और इसके राउंड अबाउट जितनी भी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं ये सब मटेरियल जो है वो दोबारा से एब्जॉर्ब करके ब्लड में एंटर कर देंगी। नेक्स्ट इसमें से हम ये देखते हैं कि ये जो लूप है ये यू शेप इख्तियार करते हुए नेक्स्ट सेम इसी तरह से ज़िगज़ैग स्ट्रक्चर बनाता है जैसे हमने प्रॉक्सिमल का पार्ट पढ़ा ट्यूब्यूल का, ठीक है, ये ठीक होता है एज कम्पेयर टू लूप के। और इस तरह से इसको हम जो पार्ट का नाम देते हैं वो हमारे पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। और इसी तरह से ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो आप नेक्स्ट जो है वो ज्वाइन करके वो कैपिलरीज या कलेक्टिंग डक्ट जो है वो बना देती है, और यही कलेक्टिंग डक्ट जो है वो बॉडी से बाहर रिमूव हो जाती है। इसमें हम यहाँ तक सब स्टूडेंट को समझ आ गया, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? यहाँ तक सब स्टूडेंट को समझ आ गया? जी मैम। जी मैम। ओके। नेक्स्ट इसमें हमने ये बात की ना, ये जो हमारे पास लूप ऑफ हैनले का पार्ट है, ठीक है, और ये जो हमारे पास प्रॉक्सिमल और डिस्टल का पार्ट है, ये हमने जो मेड्यूला है मेड्यूला में हम लूप ऑफ हैनले की बात करते हैं। इसके अलावा जो कॉर्टेक्स पार्ट है इसमें हम ये बात करते हैं के प्रॉक्सिमल है, इसमें डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इसके अलावा जो ग्लोमेरुलस का पार्ट है वो इसमें मौजूद है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट हम इसमें मैं ये अभी आपको दिखाऊंगी, ये हमारे पास ओवरऑल जो ये हमारे पास एक किडनी है, ठीक है, किडनी का ये स्ट्रक्चर है, और इसी किडनी के स्ट्रक्चर में ये हमारे पास जो है ये वेन्स और आर्टरीज की बात की गई है, सेम इसी तरह से जैसे हम जो नीचे क्रॉस सेक्शन था उसमें बात कर रहे थे। इसमें जो स्काई कलर है वो आपको वेन है, और इसके अलावा जो हमारे पास पिंक कलर है वो हमारे पास आर्टरी का है। ठीक है, कॉर्टेक्स जो है वो हमारे पास आउटर पार्ट है, और जबकि मेड्यूला जो है वो हमारे पास इनर पार्ट है। नेक्स्ट इसमें हम नेक्स्ट इसमें हम ये देखेंगे कि ये जो यहां से मटेरियल गुजर रहा है, ठीक है, इसमें जो एब्जॉर्प्शन की हम बात करते हैं कि जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले है, ठीक है, और जो असेंडिंग है जो हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा, ठीक है, डिसेंडिंग का आपको पता है कि जो बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है, उसे हम डिसेंडिंग पार्ट कहते हैं, और जो असेंडिंग वो होता है जो कि अपवर्ड जा रहा होता है, ठीक है। और इसमें दोनों में ये डिफरेंस ये याद रखना है कि जो हमारे पास डिसेंडिंग पार्ट होता है लूप का वो हमारे पास थिन होता है, और एज कम्पेयर टू जो हमारे पास असेंडिंग होता है वो हमारे पास थिक होता है। और इनका बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि जो जो हमारे पास असेंडिंग पार्ट होता है इसने जो है वो जो वाटर का आउटफ्लो होता है ये उसको रोक देता है, ठीक है, ये उसको नहीं होने देता है। इसने जो एब्जॉर्प्शन करवानी होती है, जो ट्रांसपोर्टेशन करवानी होती है, वो जस्ट सोडियम की करवानी होती है, ये जितना भी मटेरियल हम यहाँ से जो गुजरेगा, ठीक है। इसके इन रिस्पांस में जब हम डिसेंडिंग की बात करते हैं तो डिसेंडिंग जो लूप ऑफ हैनले होता है इससे जो है वो वाटर की एब्जॉर्प्शन करवानी होती है, ठीक है, जितने भी वाटर के जो हेल्प होती है ये उसमें हेल्प करता है, और इस तरह से ये जो हमारे पास एक्सचेंज बनता है दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में हेल्प चलते हैं और एक सेम वर्क परफॉर्म नहीं करते। इसको हम ये कहते हैं कि यहाँ पे जितना भी वर्क होता है उसे हम काउंटर करंट एक्सचेंज का कहते हैं।
यहाँ पे इन दोनों की रीअब्सॉर्प्शन में यहाँ पे आप देखेंगे कि डिफरेंट प्रोसेस होते हैं इसमें, डिफ्यूजन के जरिए से भी एब्जॉर्प्शन होती है, इसके अलावा हम ये पढ़ते हैं कि ऑस्मोसिस है उसके जरिए से भी एब्जॉर्प्शन होती है। नेक्स्ट यहाँ पे हार्मोनल कंट्रोल होता है, ठीक है, ये जितना भी हम प्रोसीजर पढ़ रहे हैं किडनी का, ये सारा जो है वो हार्मोन्स के अंडर होता है जो कि ब्रेन होता है उससे रिलीज किए जाते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे कि हमने बात की कि ये जो किडनी होती है इनके ऊपर जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो मौजूद होते हैं, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स और मेड्यूला, वो हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड वो मौजूद होता है जिसमें कि एक मेड्यूला और कॉर्टेक्स दोनों पार्ट होते हैं। सेम इसी तरह से जैसे हम ये कहते हैं कि किडनी का जो मेड्यूला पार्ट है वो इनर पोर्शन है और जो आउटर पोर्शन है वो कॉर्टेक्स है। जब हम डेजर्ट्स मैमल्स की बात करते हैं तो उनमें जो मेड्यूला पार्ट है उसमें ये जो लूप ऑफ हेनले है ये इनलार्ज होता है, ठीक है, बाकी डेजर्ट से जो दूसरे मैमल्स हैं जो कि लैंड एनवायरनमेंट में टेरेस्ट्रियल पे रहते हैं लेकिन डेजर्ट्स में नहीं रहते, वो अपने ज्यादातर वाटर को या दूसरे मटेरियल्स उनको स्टोर नहीं कर सकते, उनमें ये जो लूप ऑफ हेनले की लेंथ होती है वो शॉर्ट होती है। और एड्रिनल ग्लैंड में हम ये बात कर रहे थे कि ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स का पार्ट है, ये जो सोडियम का अपटेक हो रहा होता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स उसको मेंटेन करता है, ठीक है, ये उसने इसका कंट्रोल करवाना होता है। और यही जो कंट्रोल होता है ये ब्रेन के अंडर होता है, ब्रेन में जो है वो हार्मोन को रिलीज करने का एक्शन देना होता है और इसके इन रिस्पॉन्स में जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है हार्मोन को रिलीज करवा के जो सोडियम आयंस है उसकी जो है एब्जॉर्प्शन करवाएगा। इसके अलावा जब हम ये पढ़ते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड का हम पढ़ते हैं कि ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं उसके तीन पार्ट्स होते हैं, उसमें एक एंटीरियर पोर्शन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, एक पोस्टीरियर पोर्शन होता है और एक मीडियल पोर्शन होता है, ठीक है, मीडियन। उसमें से जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसने जो ADH हार्मोन है या फिर उसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं वो उसने रिलीज करवाना होता है। और इस हार्मोन का बेसिकली ये काम होता है कि इसने जितने भी एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की, ये जो कलेक्टिंग डक्ट की हम बात करते हैं इससे भी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ADH ने करवानी होती है। इसके अलावा जब हम डिसेंडिंग लिम की बात करते हैं तो इससे जो वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है वो भी ADH ने करवानी होती है, ठीक है। इस तरह से इसी तरह से जैसे हमने ये एक दो लेक्चर्स पहले पढ़े कि उसमें अगर अमाउंट ज़्यादा हो जाती है कंट्रोल नहीं होता है, तो इसमें हम जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है तो इनके इन रिस्पांस में दोबारा से ब्रेन को मैसेज भेजा जाता है कि जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो रही है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है, रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, तो दोबारा जो है वो ब्रेन उसको स्टॉप कर देता है। उसके स्टॉप होने की वजह से जो उसके डाउनवर्ड जो ब्रेन के अंडर जो एक्शंस हो रहे होते हैं वो रुक जाते हैं, वो एक्टिवेट नहीं होते, और जो इस तरह से जो हार्मोन्स जो हैं वो भी प्रोड्यूस नहीं होते और वाटर की एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी और सोडियम की भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। जो एल्डोस्टेरोन है वो सोडियम की एब्जॉर्प्शन को करवाएगा जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, जबकि इन रिस्पॉन्स में जो ADH है जिसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं वो वाटर की एब्जॉर्प्शन को करवाएगा कलेक्टिंग डक्ट से भी और जो डिसेंडिंग लिम्ब है उससे भी। यहां तक क्लियर हो गया? जी मैम जी। तो आप इतना सो के जवाब देते हैं। जी मैम। ओके, नेक्स्ट इसमें आपको मैं एक ये करवा देती हूँ कि इसमें जो ओवरऑल ये हमने पढ़ा था उसके इनर का पोर्शन, ठीक है, जो नेफ्रॉन थे उसके स्ट्रक्चर, उसके अलावा जो किडनी के अंदर हो रहा था वो, अब ये किडनी से जो ऑनवर्ड जो है वो यूरिथ्रा के थ्रू या यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू किस तरह से बॉडी से बाहर निकलता है। जो हमने किडनी में स्ट्रक्चर्स पढ़े उसमें हमारे पास रेनल पेल्विस था और ये वो ट्यूब होती है जहां से यूरिटर निकलते हैं। एक मिनट, शायद यहाँ पे डायग्राम भी हो।
ये हमारे पास किडनी है, ठीक है, ये जो यहाँ पे मैंने आपको बात की कि ये जो ग्लैंड है ये हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है, इससे जो है वो कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन निकलता है जो कि हमने बात की थी कि असेंडिंग लिंब पे एक्ट करता है, और इसके इन रिस्पॉन्स में ये जो हमारे पास यहाँ से सेम इसी तरह से जैसे ग्लूमेरुलस से जो है वो आर्टरीज एंटर और लीव होती हैं, यहाँ से जो हमारे पास जो आर्टरी है, सॉरी आर्टरी नहीं, यहाँ से जो हमारे पास ये जो रीनल आर्टरी है ये जो बाहर को निकलेगी, ठीक है, इसको हम ये कहेंगे कि ये यूरेटर है, और ये जिस पार्ट से ये निकलती है इसको हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास पेल्विस है, ठीक है, पेल्विस से जो है वो यूरेटर जो है वो बॉडी से बाहर एंटर होगी, और यही जो दोनों यूरेटर्स होते हैं ये एक डक्ट होती है जो कि ओपन होती है यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर जो है वो हमारे पास एक स्फिंक्टर होता है जो कि हम जिसको हम यूरेटर जो है वो ऑरिफिस यूरेटर ऑरिफिस कहते हैं, ठीक है, इसमें जो यूरिन होती है वो टेम्परेरी स्टोर की जाती है, ठीक है, टेम्परेरी स्टोर करने के बाद जब यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन होती है वो लीव करनी होती है, जब रिक्वायरमेंट होती है तो वो यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव की जाती है। इसमें हम ये बात करते हैं कि जो मेल और फीमेल है दोनों में डिफरेंट होते हैं, यूरेथ्रा की हम जो फीमेल में एम्प्टी होती है वो वेजाइना के में एम्प्टी होती है, ठीक है, जब हम मेल में बात करते हैं तो यही यूरेथ्रा जो है वो पाइनस में ओपन होता है, ठीक है, जिससे जो है वो बॉडी से बाहर जो यूरिन होती है जिसको हम ये कहते हैं कि कंसंट्रेटेड यूरिन है, उसमें जो जितना भी मटेरियल है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वो बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए मसल्स होते हैं जो कि ब्लैडर के राउंड अबाउट होते हैं जो कि इस यूरिन को कंट्रोल करते हैं, जब रिक्वायरमेंट होती है तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो अकर होता है। ये यहाँ पे वही जो स्ट्रक्चर वहाँ पे दिखाया गया, यहाँ पे ये सारी उसकी डिटेल बताई गई है कि किस पार्ट से जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करके जो दोबारा से जो बॉडी है ब्लड है उसमें एंटर किया जाएगा, और यहाँ पे जो है वो सॉल्ट की कंसंट्रेशन में सोडियम एब्जॉर्ब होगा और क्लोरीन जो है वो वापस एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो दोबारा से ऐड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक अगर आपको कोई समझ नहीं आई या कोई बात जो आपने पूछनी हो या आज आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। ओके असामा, अगर आपका बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है तो इसमें आपका कोई वो नहीं है, लेकिन जब क्लास हो रही होती है जैसे आपकी क्लास स्टार्ट हुई है तो आपने एक मैसेज कर दिया वो इनफ है, ठीक है, या आप किसी भी जो स्टूडेंट है तो आप उसको भी कह सकते हैं, ठीक है, उसको कह दिया करें आप मैसेज कर रहे हैं, यहाँ पे मैं डिस्टर्ब हो रही थी जब आपके मैसेजेस आ रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, अगर इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन है ना, ये जो आपका हेमियोस्टेसिस का टेम्परेचर रेगुलेशन का ये आपका कंप्लीट हो गया है, वैसे मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको जो मेन बातें हैं वो भी बता सकूं और जिसमें मेन कन्फ्यूजन होती है जो समझ नहीं आ रही होती वो भी आपको बता सकूं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट होगा, वो आपका लास्ट चैप्टर है और उसके बाद फिर आपका सिलेबस कम्प्लीट हो जाएगा। ओके कोई बात नहीं, नेक्स्ट ख्याल की किया करें, एक मैसेज कर दिया करें तो वो इनफ होता है। बाकी जिन स्टूडेंट्स का नेट का इशू होता है या आप कनेक्ट नहीं कर पाते तो कोशिश ये किया करें जो बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर आपको लिंक शेयर किया जाता है उससे देख लिया करें, बाद में अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो पेपर्स में आप लोगों के लिए मुश्किल होगी। और सब स्टूडेंट्स ने जो अपनी अटेंडेंस है वो क्लास का ग्रुप है उसमें मार्क करनी है। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।
अल्लाह हाफिज़।